वड्डी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ मसले ते विवाद पक गया। दरअसल हरियाणा सरकार ने इस ते विशेष इजलास सद लिया है। नजदीक 5 अप्रैल नूं हरियाणा विधानसभा का विशेष इजलास होगा। चंडीगढ़ के मुलाजमान ते केंद्रीय नियम लागू करन दे केंद्र सरकार के फैसले खिलाफ पहला पंजाब विधानसभा दे विच मता पास होया, जिस तों बाद हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिता सी कि चंडीगढ़ जो है दोवां सूबे की राजधानी है, तो साडा भी चंडीगढ़ से उन्ना ही हक है जिन्ना पंजाब का हक है। जिस तों बाद भुपिंदर हुड्डा ने भी मांग की सी कि स्पैशल इजलास जो है सद्या जाए, तो हुण हरियाणा सरकार के वलों यह इजलास बुला लिया गया है, तो 5 अप्रैल यह विशेष सैशन जो है होगा। तो चंडीगढ़ से हक जताने का जो मसला है वह गरमा गया है, उससे हुण हरियाणा सरकार ने एक विशेष इजलास सद लिया है। इस तों पहला पंजाब दे जो आगू ने सियासी आगू लगातार उन्होंने वालों मांग की जा रही है कि चंडीगढ़ नूं पंजाब का हिस्सा बनाया जाए, तो हुण जिस तों बाद हरियाणा के सियासी आगू ने कहा कि जिन्ना हिस्सा चंडीगढ़ तो पंजाब का है, जिन्ना हक पंजाब का चंडीगढ़ से है उन्ना ही हरियाणा का है। इस लैके वार पलटवार भी होए, तो हुण हरियाणा सरकार के वलों इस विशेष इजलास सद्या गया है। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि चंडीगढ़ मसला जो है हुण पकदा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक्शन लैंदिया इस विशेष इजलास सद्या है जो कि 5 अप्रैल नूं होवेगा। हरियाणा दे विच तमाम विरोधी पार्टियां वालों मांग की जा रही थी कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर विशेष सैशन सद्या जाए, विशेष इजलास सद्या जाए, जिसनूं कि हुण हरियाणा सरकार ने मान लिया है। तो 5 अप्रैल नूं जिहड़ा है विशेष इजलास होगा, यानी कि परसों विधानसभा का एक दिन का सैशन जो है हरियाणा सरकार के वलों बुलाया गया है। दस दईए कि इस लैके भुपिंदर हुड्डा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जेकर चंडीगढ़ की गल हुई तो 3 मुद्दों पर गल होगी, SYL के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर। तो हुण हरियाणा सरकार जिहड़ी है हरकत दे विच आई है। तुहानूं दस दईए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार जो है अजिहे मते पहला भी लिया चुकी है, पास हो चुके ने। पंजाब सरकार का काम ही है मते लिया पास करना, पर हुण इस गल नूं लैके वो सीरियस हो गए ने। इजलास जो है कांग्रेस के कहण ते भावें वह बुलाया हो या फिर आपस दे विच राय मशवरा करके जिहड़ा इजलास बुला लिया गया है। साडी मंशा ते कोई शक ना करो, बीजेपी वाले उठे मंशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरी तो सुने सी, पर नागपुरी भाषण विधानसभा च पहली बारी सुने। तुहानूं दस दईए कि 1 अप्रैल नूं पंजाब सरकार दे वलों विशेष इजलास सद्या गया सी चंडीगढ़ दे मसले ते सी, पंजाब दे चंडीगढ़ दे हक नूं लैके विशेष इजलास बुलाया गया सी, ते हुण हरियाणा सरकार ने भी जिहड़ा विशेष इजलास बुला लिया। ते साडे नाल साडे सहयोगी विनोद लांबा जुड़ गए ने। लांबा जी, जिस तरीके नाल हरियाणा सरकार ने विशेष इजलास सद्या, इस तों पहला पंजाब सरकार दे वलों जिहड़ा इजलास बुलाया गया है, किवें देखदे हो इसनूं? देखिए, 5 अप्रैल को विशेष सत्र एक दिन का बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा द्वारा, और हरियाणा विधानसभा में निश्चित तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब विधानसभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है चंडीगढ़ में पंजाब के हक को लेकर, उसी के विपरीत हरियाणा अपने दावे के तौर पर उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आएगी, और 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। कुछ मंत्री मौजूद चंडीगढ़ में, कुछ औपचारिक रूप से तमाम जो डिजिटल तौर पर जुड़े, और ये मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया कि 5 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाते हुए हरियाणा सरकार इस तरह के प्रस्ताव के खिलाफ एक अपना
अविश्वास प्रस्ताव और एक तरह से नया प्रस्ताव ला सकती है, जिसमें चंडीगढ़ में हरियाणा का दावा जो ठोका गया है पंजाब द्वारा, उसके खिलाफ भी एक प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विशेष सत्र 5 अप्रैल को बुलाया जाए। शुक्रिया विनोद जी साडे नाल जानकारी सांझा करन दे लई। तां हरियाणा विधानसभा दे विच एक दिन दा विशेष इजलास बुलाया गया है 5 अप्रैल नूं। इह विशेष इजलास जिहड़ा है होवेगा चंडीगढ़ दे मसले ते जिहड़ा इजलास है बुलाया गया है। इस तों पहलां पंजाब विधानसभा दा विशेष इजलास जो 1 अप्रैल नूं बुलाया गया सी। दरअसल दोवें सूबे चंडीगढ़ ते अपना हक जताउण दी गल कर रहे ने, ते जिथे पंजाब दे सियासी आगू मंग कर रहे ने कि जो चंडीगढ़ है पंजाब नूं दित्ता जावे, उत्थे हरियाणा दे लीडरां दा कहना है कि जिन्ना हक पंजाब दा चंडीगढ़ ते उन्ना ही हरियाणे दा हक है, क्योंकि दोवां सूबे राजधानी चंडीगढ़ है।